हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज आप सभी जानते हैं कल हमारा सैटरडे को यानी कि शाम को 8 बजे 20 तारीख को हमारा वेबिनार हुआ था, जिसमें वेबिनार लिया था हमारे दिनेश कोटीन सर, जो बहुत ही ज़बरदस्त लीडर है। बहुत ही अच्छे से कल के वेबिनार को उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर उन्होंने बात की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे वहाँ पर मतलब बहुत सारे टॉपिक जो मैंने नोट डाउन किए हैं, तो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रेंड्स। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉफ्ट लॉन्च डेट के बारे में उन्होंने बात की और सॉफ्ट लॉन्च बोनस के बारे में बात की उन्होंने, और डन डील बिजनेस क्या होती है यानी ऑन पैसिव को डन डील बिजनेस क्यों कहा जाता है इसके बारे में उन्होंने बात की, ऑन पैसिव थ्री इज फ्री का मतलब रियल मतलब क्या होता है इसके बारे में उन्होंने बात की, और सेल्फ फंडिंग बिजनेस ऑन पैसिव सेल्फ फंडिंग बिजनेस क्यों कहा जाता है इसे उसके बारे में उन्होंने बात की। सो आज की इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे फ्रेंड्स। सो बने रहे शुरू से अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही नए अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स की, सॉफ्ट लॉन्च डेट के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। सॉफ्ट लॉन्च मतलब जो टॉपिक सर ने कवर किया था सॉफ्ट लॉन्च डेट को लेकर, तो सॉफ्ट लॉन्च डेट को लेकर सर ने कहा कि सॉफ्ट लॉन्च डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे जो 50 प्रोडक्ट हैं वो उसमें से लगभग 23-24 प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं, कुछ प्रोसेस बाकी है जो उसमें अभी चल रहा है, तो वो कभी भी लॉन्च हो सकता है। और जैसे ही हमारा ओ वॉलेट, जैसे ही वॉलेट हमारा ओ वॉलेट लॉन्च होता है उसके आसपास ही सॉफ्ट लॉन्च की डेट अनाउंस कर दी जाएगी फ्रेंड्स। तो सॉफ्ट लॉन्च की बहुत ही नज़दीक है हम लोग, तो इसके बारे में आप पूरा अनुमान लगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही जल्द सॉफ्ट लॉन्च होने वाला है फ्रेंड्स। टॉपिक के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, सॉफ्ट लॉन्च बोनस के बारे में सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिनकी टीम है उनकी क्या होगी और जिनकी टीम नहीं है उनका सॉफ्ट लॉन्च बोनस क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सॉफ्ट लॉन्च के बोनस के बारे में अगर सर ने बताया कि अगर जिनके पास टीम है तो उनको डेफिनेटली उनको बोनस आएगा, बिकॉज हमारे जब हम सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस चलेगा तो उसमें आपको आपके लिंक से बहुत सारे वीडियोज़ और वन पैसे के टूल्स मिलेंगे जिनको आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वहां से ऑटोमेटिक आरडी जनरेट होगी, बिकॉज अभी $97 से आरडी जनरेट हो रही है, और सॉफ्ट लॉन्च के बाद ही यानी सॉफ्ट लॉन्च जब होगा तब हमारा इसका रेट बढ़ जाएगा, लगभग $149 का हो जाएगा। तो डेफिनेटली हर कोई इसको लेगा, बिकॉज उसको दिखेगा हाँ इतना सब कुछ हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं, आगे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली हर कोई इसे ज्वाइन करेगा फ्रेंड्स। जिनकी टीम जीरो है वो उनकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज अगर वो अपने लिंक से टूल्स को वीडियोस को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनको भी वहां पे सॉफ्ट लॉन्च बोनस होगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। एंड थर्ड पॉइंट के बारे में सर ने बात की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स की, अगर ऑन पैसिव भी ये सब कुछ कर सकता है तो ये हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, यानी हमारी जरूरत ऑन पैसिव क्यों पड़ रही है, बिकॉज सब कुछ तो ऑन पैसिव कर रहा है तो हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है इसको इतना सब कुछ करने के लिए फ्रेंड्स। तो दिनेश कोटीन सर ने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और बताया उन्होंने कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबको एक साथ लेके चलना चाहता है, बिकॉज जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कुछ ही लोगों को मौका देती है एज अ फाउंडर बनने का, एज अ कंपनी शेयर होल्डर बनने का, जैसे आपका फेसबुक हो गया, एप्पल हो गया और आपका अमेजन हो गया, तो कुछ ही 2-4-10 लोग ही उसमें हैं जो मतलब बढ़िया इनकम कर रहे हैं, वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो ऑन पैसिव का सीधा सा मतलब है यानी कि एस सर जो बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया, इसमें हम जैसे आम लोगों को भी इनमें लेकर चलेंगे और इनको भी अर्निंग यहाँ पे होगी, यानी कि हर कोई ऑन पैसिव के साथ जो भी इसके साथ वर्क करना चाहता वो फ्रीडम यानी कि फ्री एकदम फ्री ऑफ माइंड इसको यूज कर सकता है और फाउंडर बन सकता है, एज अ फाउंडर वो आने वाले टाइम में सॉफ्ट में फाइनल लॉन्च के बाद वो इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट कर सकता है फ्रेंड्स। तो आप $97 का एज $97 दे के आप एज अ फाउंडर पोजीशन सेट करते हैं अपना, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं, आपके नाम की वेबसाइट बनेगी, वहाँ पे आप ही का सब कुछ रहेगा, तो वहाँ पे ऑन पैसिव का सभी प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, वहाँ पे ट्रैफिक भेजा जाएगा ऑन पैसिव द्वारा, जिसके जिसके लिए आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन
चार्ज भी देना रहेगा, वो ऑटोमेटिक आपके कमीशन से कटता रहेगा, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए एक डन डील बिजनेस फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे आता है, जो भी यहाँ पे एक बार फाउंडर बन जाता है तो उसको कामयाब होना ही होना है फ्रेंड्स, ये एकदम तय है। एंड सेकेंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स कि गेट थ्री एंड गेट फ्री का मतलब क्या होता है। तो दिनेश कोटेंसन ने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, और गेट थ्री का मतलब यही होता है फ्रेंड्स, जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे नीचे लगभग 3 लोग आने होते हैं, तो उनमें से वो कंपलसरी नहीं कि वो ऑफी के थ्रू आए, बिकॉज एज अप्लाइन जो भी अप्लाइन होते हैं, मान लीजिए मैं अप्लाइन तो मेरे नीचे मान लीजिए 50 लोग हैं, उनमें से 3 लोग तो मेरे डायरेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 47 लोग बचे वो 47 लोग कहीं ना कहीं डाउनलाइन में ही नीचे जाएंगे, यानी कि ओवरफिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते तो भाई कोई कंपलसरी नहीं है, इसीलिए ऑन पैसिव को डन डील बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। तो वो ओवरफिल के द्वारा भी आ सकता है, और इसलिए जब भी आप मतलब आपके नीचे 3 आ जाता है, 3 लोग आपके नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट में, तो आप एकदम फ्री हो जाते हैं, बिकॉज जो आपका फाइनल लॉन्च के बाद जो आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज कटेगा, हर महीने रिन्यूअल होगा, उसके लिए कंपलसरी है। तो वहाँ पे जब 3 लोग आ जाते हैं तो आप एकदम फ्री हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्ज तक आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन चार्ज डिडक्ट हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए उसको गेट थ्री एंड गेट फ्री का कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 3 लोग डायरेक्ट में हो गए तो आप एकदम फ्री हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ ऑन पैसिव करेगी, यानी जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेटेड होता रहेगा, आपका जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो ऑटोमेटेड आपके कमीशन से कटता रहेगा। एंड सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स कि सेल्फ फंडिंग बिजनेस क्यों कहा जाता है। बिकॉज जब भी हम $97 देकर हम एज अ मतलब फाउंडर बनते हैं ऑन पैसिव में, तब हमें लगभग जब सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा यानी फाइनल लॉन्च हो जाएगा, तब हमें एक जो सब्सक्रिप्शन चार्ज आपका लगेगा हर महीने जो आपका, यानी कि फ्यूचर में पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ आपको एक बार प्रोडक्ट पैकेज खरीदना है, जो भी होगा $150 $200 जो भी होगा, तो उसको आपको पूरे लाइफ टाइम में केवल एक ही बार खरीदना है, यानी कि परचेज करना है। उसके बाद आपका हर महीने आपके कमीशन से वो रिन्यूअल होता रहेगा, डिडक्ट होता रहेगा, उसके बाद आपको कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा आपकी जेब से पे नहीं करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके आपके नाम की वेबसाइट बनेगी एज अ suraj.com, तो एज के नाम की वेबसाइट बनेगी, वहां पे आपको टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगा, तो ट्रैफिक वहां पे ट्रैफिक आएगी तो वहां पे आपका सेल होगा, और वहां पे जो सेल होगा उसका ही कमीशन आपको मिलने वाला है फ्रेंड्स। बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे बिकॉज ऑन पैसे के बाद बहुत सारे टूल्स हैं जो जिसके द्वारा ट्रैफिक आएंगे और आपका सेल होगा और आपको इनकम आएगा फ्रेंड्स, इसीलिए इसको सेल्फ फंडिंग बिजनेस कहा जाता है। यानी कि आपका हर महीने रिन्यूअल होगा, यानी सब्सक्रिप्शन चार्ज कटेगा और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और वहां से जो सेल जनरेट होगा उसका आपको कमीशन मिलेगा। ओ वॉलेट के बारे में एक क्वेश्चन था जिसको सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन था कि वो वॉलेट से क्या हम डेली पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, और यानी कि जो ऑन पैसे में हमारा कमीशन बनेगा क्या उसको हम डेली विड्रॉ कर पाएंगे। तो दिनेश कोटेंसन सर ने बताया कि हाँ, ऑफकोर्स आपको अगर $100 है, $200 है, $1000 कुछ भी है, मिनिमम कोई भी लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे कितना भी आप डेली विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है, आप डेली विड्रॉ करो, $100 हो गया उसको करो, $1000 हो गया उसको करो, कितने भी आप कर सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है सब कुछ फ्रेंड्स, जो भी है वो अनलिमिटेड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ओ बिलेस के बारे में सर ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि जब भी हम ओ वॉलेट के जरिए हम अपना पैसा विड्रॉ करेंगे अपने बैंक अकाउंट में, तब वहाँ पे ओ बिलेस का एक प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं गरीब लोगों का ही रहेगा, जिनको पैसे की इमरजेंसी रहेगी, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, किसी का 10 लाख का होगा, 1 लाख का कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम जब विड्रॉ करेंगे तो आपकी मर्जी होगी, $1 या $10 या $1000 $100 कुछ भी जो आपकी मर्जी है वो उसको आप मतलब चैरिटी कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो उनमें डालिए, अगर आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे वो स्ट्रक्चर पूरा होगा, वो प्रोजेक्ट पूरा होगा, वहाँ पे आपको दूसरा प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे वो बिलेस काम करने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर और होने वाला है फ्रेंड्स उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं फाउंडर नहीं बन पाए हैं, और जो फाउंडर मतलब नहीं बन पाएंगे तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए भी ऑन पैसे बहुत तगड़े से काम कर रही है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक थे जिनको दिनेश कोटेंसन ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आप वेबिनार अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें। अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो आप मतलब यूट्यूब पर पड़ा हुआ है कौशिक पांडे सर का यूट्यूब चैनल पर, आप जाके विजिट कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिए फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी, और अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर जिस आपके फ्रेंड्स भी अगर वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाए तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस कोई भी क्वेरी हो
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। शुरू से एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।